मैनू याद आया अलामा अबू अब्दुल्ला मुहम्मद अल कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल जामेउल हकाम अल कुरान तफसीर कुर्तबी के अंदर वाकया लिखते ने फरमाते ने अमर बिन दिनार एक बंदा है मदीना तय्यबा के अंदर रहन वाला है नबी दे शहर अंदर रहन वाला है। इस बंदे दी बहन फौत हो गई इन्हें कबर खोदी है जनाजा होया बहन नू कब्रस्तान लगाया जनाजा पढ़ा के ते बहन नू अपने हत्था नाल कबर दे अंदर उतार रहा है। कहिंदा है मैं जदों बहन नू कबर दे अंदर उतारिया मेरी जेब दे अंदर दिरमो दिनार दी एक थैली है मैनू नहीं पता लगा वो थैली कबर दे अंदर गिर जांदी है। कहन लगे अमर बिन दिनार कहिंदा है कबर बंद करके ते घर चले गए घर जाके याद आया मेरी थैली ते कबर दे अंदर गिर गई कहिंदे मैं वापस कब्रस्तान गया वा कबर खोली कबर खोदी ते वेखिया कबर दे अंदर आग ही आग जल रही है कबर दे अंदर आग दे भांबड़ भर रहे ने उंजी कबर नू बंद कीता ते वापस घर आ गया है आके माँ जी दे कदमां च बैठ गया है। अम्मी जी दसो मेरी भैन दे ऐसे केरे अमाल सी जिदे वजह नाल अल्लाह नाराज हो सकदा है। माँ कहंदी है पुत्र तेरी भैन दे अंदर पहली खामी ए सी के ओ नमाज लेट पढ़दी सी लेट पढ़दी सी छड़दी छड़दी नहीं सी लेट पढ़दी सी एदा अजाब मिले है। दूसरी तेरी भैन दे अंदर खामी सी के गवांडिया दी दीवार नाल कान ला के उन्हां दियां गल्लां सुनिया करदी सी इन्हां दो वजह दे नाल अल्लाह दा अजाब आ गया है। इस वास्ते मेरे भाई फरमाया फी जन्नाती तसालून अनिल मुजरिमीन मां सलककुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन नमाज पढ़िया करो मेरे ते तुहाडे नबी दी वसीयत नमाज कायम करो नमाज वक्त नाल पढ़ो। आइए तीसरी वसीयत दसा ते बात खत्म करिए मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू दरदा फरमांदे ने नबी पाक ने मैनू तीसरी वसीयत की थी फरमाया वला तशरबुल खमरा इन्हा मिफताहु कुल्लु शर्रिन आका फरमांदे ने शराब पीनी शराब नहीं पीनी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनु ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
का हमीद मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम वल्लज़ीना मिन कब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूलू कौलन सदीदा يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو محسن بزرگوں اور دوستو قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں گزشتہ چند خطبات جمعۃ المبارک تو میں تساں حضرات دے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ دے وچوں چند پہلوؤں تے روشنی ڈالن دی کوشش کیتی ہے
और आज दे इस अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तुसा हजरात दे सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया वसीयतां दे हवाले नाल गुफ्तगू करने दी कोशिश करांगा। दुनिया दे अंदर जिंदगी बसर करदिया होया हर इंसान ये चाहता है कि मेरे मरने दे बाद मेरी औलाद और मैं अपनी औलाद वास्ते मरण तो पहला इतना कुछ कर जावा कि मेरे बाद मेरी औलाद नू कोई परेशानी ना होए। और फिर इंसान अपनी औलाद की तरबियत कुछ इस तरीके नाल कर दे कि मेरे बाद मेरी औलाद और हालात का मुकाबला अच्छे तरीके नाल कर सके। हजराते जीवकार बंदा मरण लगे हाँ अपनी औलाद वास्ते अहलो अयाल वास्ते कोई ना कोई पैगाम छोड़ के जाता है जिन्हों वसीयत किया जाता है। ये अलग बात है कि आज दे दौर दे अंदर बहुत कम लोग ने कि जिन्हों फिक्र होएगी अपनी औलाद दी कि वो दीन ते चल दी है कि नहीं चल दी। लेकिन हर बंदा ये जरूर कोशिश करता है कि मैं अपनी औलाद वास्ते कोई प्लाट कोई दुकान कोई मकान जरूर छोड़ के जावा और मरण तो पहला ये कोशिश करता है कि मैं कोई ना कोई पैगाम वसीयत अपने अहलो अयाल नू दे छोड़ा कि मेरे मरण दे बाद मेरी औलाद दे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ना होए। मेरी औलाद लोगों के सामने शरीके दे सामने तमाशा ना बने। ये सारिया चीज़ा बंदा सोचता भी है और अपनी जिंदगी अंदर इन्हों का हल करन दी भी कोशिश करता है। लेकिन ये दुनिया का निज़ाम है हर इंसान ने इस दुनिया तो चले जाना है रुखसत हो जाना है फौत हो जाना है। तो हर इंसान जिस तरह अपनी औलाद की दुनिया के बारे सोचता है उन्हें चाहिए कि अपनी औलाद की आखरत की भी फिक्र करे कि जेदा सवाल अल्लाह ने कल इस बंदे को भी करना है कि मैं तेरे उत्ते इनाम किते नेमता कीतिया औलाद दिती माल दिता दौलत दिती क्या तू अपनी औलाद नू दीन दे रस्ते ते भी चला के आया कि नहीं आया। ये इंसान वसीयत कुछ इस तरह दी करे कि मेरी औलाद मेरे मरण तो बाद मेरे वास्ते सदका जारिया बन जाए। हजरात ये तो दुनिया के अंदर हर इंसान कोशिश करता है कि मैं अपनी औलाद वास्ते अच्छे तो अच्छा कर जावा। लेकिन जिस तरह आम बंदा सोचता है इस तरह मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सोचे है और आका अली सलातु वसलाम ने अपनी औलाद का नहीं सोचा अपने अहलो अयाल का सिर्फ नहीं सोचा बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सब नालो ज्यादा फिक्र सी ते अपनी उम्मत की फिक्र सी। और मेरे आका अली सलातु वसलाम कोई भी अच्छा काम कोई नेकी का अमल वो अपनी उम्मत वास्ते सदका जारिया छड़ के गए और हुक्म फरमा के गए वसीयत करके गए कि मेरी उम्मत दे लोग मेरा कलमा पढ़ने वाले अगर इन इन आमाल ते अमल करेंगे और जरूर करेंगे इंशाल्लाह और रहमान अल्लाह दुनिया आखरत दियां कामयाबियां अता कर छड़ेगा। आका अली सलातु व सलाम हर मौके ते अपनी उम्मत दा ख्याल कर दे अपनी उम्मत दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच दे। और इस बात दा अंदाजा इस बात तो लगाइए कि मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अली सलातु व सलाम दा आखिरी वक्त है ते मेरे आका अली सलातु व सलाम नू फिर भी फिक्र है ते अपनी उम्मत दी फिक्र है। बोलो किहदी उम्मत दी फिक्र है कि मेरी उम्मत वास्ते मैं कोई ना कोई ऐसा काम दस जावा जान लगे कि मेरी उम्मत भटक ना जाए मेरी उम्मत जन्नत दे रस्ते। और आका अली सलातु व सलाम
हमेशा अपनी उम्मत दे बारे सोच दे और कोशिश कर दे कि मेरी उम्मत का कोई बंदा जन्नत नू छड़ के किते जहन्नम दे रस्ते ते ना चल पवे, अल्लाह दा रस्ता छड़ के शैतान दे रस्ते ते ना चल पवे। मेरे आका अली सलातु व सलाम वसीयत फरमा करके गए और वसीयत हर इंसान नू करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीयत करना हर बंदे वास्ते जरूरी है कि मरण तो पहला वसीयत करके जाए। और बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा हर रात सोन लग्या अपनी वसीयत अपने सराहने रख के सोए कि जिंदगी दा पता नहीं किदों सावां दी डोरी टुट जाए, किस मुकाम ते बंदे दी जिंदगी खत्म हो जाए। नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि इंसान नू वसीयत लिख के रखनी चाहिए। और नबी पाक सल्लम ने फरमाया कि इंसान नू हमेशा वसीयत खैर दी करनी चाहिए, नेकी दी करनी चाहिए। असी ते दुनिया ते वसीयत करदे आ मेरा आ माल फलां नू दे दियो, आ कोठी फलां दे हिस्से, आ बंगला फलां दे हिस्से, गड्डी फलां पुत नू दे दियो। नहीं, नबी पाक सल्लम ने फरमाया वसीयत कीजिए नेकी दी, खैर दी वसीयत कीजिए। और आका अली सलातु वस्सलाम ने फरमाया वसीयत करन वाला अपने माँ बाप वास्ते, रिश्तेदारां वास्ते सिर्फ एक तिहाई हिस्सा सुलस ओदी वसीयत कर सकदा है, इस तो ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि आ मेरा सारा माल मेरे फलां बेटे नू मिल जाए बाकी किसे नू ना मिले। नहीं, नबी पाक सल्लम ने इन चीज़ों तो मना फरमाया। इंसान जिंदगी अंदर अगर अपने माल की कोई वसीयत करना चाहता है तो सिर्फ एक तिहाई हिस्से की वसीयत कर सकता है, सुलुस की वसीयत कर सकता है। हजरात आइए, वसीयत करना अंबिया की सुन्नत है, वसीयत करना मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहि सलातु वसलाम ने वसीयत का हुक्म फरमाया और कुरान ऐलान कर रहा। आइए जरा कुरान समात फरमाइए, अंबिया अलैहि सलातु वसलाम अपनी औलाद नू वसीयत कर रहे और की फरमा रहे, फरमाया हुआ वस्सा बिहा इब्राहीम बनी वयाकूब या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी क़ालू अनअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहं वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। अंबिया अलैहि सलातु व सलाम अपनी औलाद नू वसीयत करके जा रहे, फरमाया वस्सा बिहा इब्राहीम बनी व याकूब, फरमाया जनाबे इब्राहीम अलैहि सलातु व सलाम ते जनाबे सैयदना याकूब अलैहि सलातु व सलाम अपनी औलाद नू अपने बेटियां नू वसीयत कर रहे ने, या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए वसीयत करने ए मेरे बेटियो, जनाबे इब्राहीम अपने बेटियां नू, जनाबे याकूब अपने बेटियां नू वसीयत
करके जा रहे ने कि जेड़ा अल्लाह ने तुहानू दीन दिता है, जेड़ा अल्लाह ने तुहानू इस्लाम दिता है। फरमाया इस इस्लाम ते पक्के हो जायो, इस दीन ते पक्के रहना जे। हज़रत असी वसीयत करते हैं दुनिया दे माल दी, नबी वसीयत कर रहे ने दीन दी ते इस्लाम दी। सानू फिकर है औलाद दी दुनिया दी, नबिया नू फिकर है औलाद दी आखरत दी। हज़रत केड़ा बाप है जेड़ा ए पसंद कर दे कि मेरा बेटा जहन्नम दे अंदर चला जाए। असी दुनिया दी अग बर्दाश्त नहीं करते, असी दुनिया दे उत्ते औलाद दी थोड़ी जिन्नी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ना उस औलाद दी आखरत दी फिक्र करिया करो। जिस दिन जहन्नम दे अंदर अल्लाह माफ फरमाए, सौ वारी माफ फरमाए, अल्लाह साडियां औलादां नू नमाजी बनाए, अल्लाह साडियां औलादां नू दीनदार बनाए। लेकिन हजरात कदी मंजर सामने रखिया करो, कियामत दा दिन होवे अल्लाह ना करे जहन्नम दे अंदर सामने पुत्र जल रहा होए, जहन्नम दे अंदर सामने बेटी जल रही होए, सामने बीवी जल रही होए, उस वक्त उस तकलीफ नू किवें बर्दाश्त करोगे। हुण वक्त है औलाद नू दीन वाले पासे लैके आओ, जिवें अंबिया वसीयत दीन दी कर रहे, इंज दीन और इस्लाम दी वसीयत करिया करो। कुरान आंदा है अम कुंतुम शुहादा इज हाज़र याकूब अल मौत इज काल लिबनी मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाई का। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे सोने पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी नू मेरे अल्लाह मुखातब करके फरमा रहे, सोनिया जदों मेरे नबियां ने अपनी औलाद नू वसीयत की दी है तुसी उत्थे मौजूद नहीं सो, तुहानू नहीं पता ये अपनी औलाद नू किस चीज की वसीयत कर रहा है। मैं रब तुहानू दस रहा वा ये अपनी औलाद नू वसीयत करके गए ने इस काल अली बनी माता बुदून मिम्बादी, ऐ साडे पुत्रो साडियो औलादो अल्लाह तो इलावा किसे दी इबादत करनी, अल्लाह तो इलावा किसे दी इबादत नहीं करनी। इलाह का व इलाह आबाई का, ते नाले सवाल कीता के बेटा के दी इबादत करनी है। बेटे भी कोई आम बेटे नहीं, अंबिया दे बेटे ने। कहन लगे अबू जी कालो नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का, अब्बा जी असी ओदी इबादत करनी जेदी तुसी कर दे सो, अब्बा जी असी ओदी इबादत करनी है जेदी इबादत साडा दादा करदा गया है, साडा परदादा करदा गया है। आ भाई कहां जेदी इबादत साडे अबाओ अजदाद करदे गए, कौन अबाओ अजदाद? फरमाया इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, जेदी इबादत इब्राहीम करदे गए, इस्माइल करदे गए, इसहाक कर दे गए। इलाह वाहिदा कल्ला इलाह एक अल्लाह, असी उस कल्ले नु पूजने, उस कल्ले दी इबादत करनी है। वा नहनु लहु मुस्लिमून, वसीयत करनी है ते चंगी करनी, खैर दी करनी, नेकी दी करनी है। हज़रात आइए जरा नबी पाक दिया वसीयतां दसना चाहना है। नबी पाक सल्लम अपनी उम्मत वास्ते कितना दर्द रखते ने कि उम्मत भटक ना जाए। वसीयतां मेरे पैगंबर लई सलातू सलाम दिया है। हदीसे पाक सुनना सही इब्ने माजा है, सही हदीस हसन रवायत इब्ने माजा दी।
आई, फरमाया अन अभी दरदा इन रसी अल्लाह ताला अनु काला औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन कुतिता व हुर्रिकता व ला तत्रुक सलात मक्तूबत मुतअम्मिदन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फकद बरियत मिन्हु ज़िम्मा व ला तशरबुल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लु शर्रिन। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने एक दिन मेरे खलील यानी मेरे दोस्त जनाब मुहम्मद नबी पाक सल्लम सहाबा नाल दोस्ती की थी, मुहब्बत प्यारे दोस्तों तरह पेश आंदे और दोस्त ओ हुंदा है जेड़ा दोस्ती खैर खाई करे, जेड़ा दोस्त वास्ते अच्छा सोचे। नबी पाक हमेशा अपने दोस्तों की खैर खाई कर दे, अपने दोस्तों वास्ते अच्छा सोच दे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने आका अली सलातु वसलाम ने मिन्नो वसीयत की है, ओ वसीयत जरा नोट करना है। फरमांदे ने औसानी खलीली, फरमाया मेरे दोस्त जनाबे मुहम्मद सल्लम मेरे आका मेरे महबूब ने मैनू वसीयत की है आई उशरीका बिल्लाही शैया व इन को तेता व हुर्रिकता। आका फरमांदे ने अल्लाह दे नाल कदी शिरक करना, अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना। औ व इन कुतिता व हुर्रिकता, फरमाया चाहे तुहानू ज़िबा कर दिता जाए, कट दिता जाए, जला दिता जाए, फिर भी अल्लाह नाल शिरक करना। हमेशा अल्लाह दी इबादत करनी है। सारी कायनात दा खालिक कौन, मालिक कौन, राजिक अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, गंज बख्श अल्लाह, रंज बख्श अल्लाह, औलादा देन वाला अल्लाह, बिगड़िया बनान वाला अल्लाह। फरमाया अयो शरीक बिल्लाही शैया, अल्लाह दे नाल कदी शिरक नहीं जे करना है। और शिरक इतनी बड़ी लानत है कि अल्लाह ने कुरान दे बारहा मुकाम ते इहदा तज़किरा फरमाया कि ते अल्लाह फरमांदे ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया वबिल वालिदैनि एहसाना। फरमाया अल्लाह तो इलावा किसे दी इबादत नहीं करनी, इबादत कीती जाएगी ते कल्ले अल्लाह दी कीती जाएगी। जबीने नियाज नु झुकाया जाएगा ते सिर्फ अल्लाह दे सामने झुकाया जाएगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया वबिल वालिदैनि एहसाना। कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक करना बहुत वड्डा ज़ुल्म है। अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक बनाना, अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक ठहराना है, अल्लाह दे नज़दीक बहुत बड़ा ज़ुल्म है। किते अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है इन्नहु मय्यु शरीक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहु नार। आका फरमांदे ने अल्लाह ने आसमान तो नबी पाक दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा शिरक करदा है, जेड़ा बंदा अल्लाह तो इलावा है गैर अल्लाह दी इबादत करदा है, अल्लाह तो इलावा है गैर अल्लाह दे नाते चढ़ावे चढ़ांदा है, अल्लाह तो इलावा है गैरां नूं पूजदा है, फरमाया अल्लाह ने उस बंदे ते अपनी जन्नत नूं हराम कर दित्ता है।
जन्नत और आम है उस बंदे ते जेड़ा बंदा अल्लाह तो इलावा किसे होर नू रब दा शरीक बनांदा इबादत करदा अल्लाह तो इलावा खैरुल्लाह दे सामने जबीने न्याज चुकांदा है नजरो न्याज करदा है अल्लाह ने उहदे ते अपनी जन्नत नू हराम कर दीते हजरता ये मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने कयामत दे दिन अल्लाह एक बंदे नु जहन्नम चो निकालेगा ते सामने खड़ा करके अल्लाह पूछेगा दस खां तेरा टिकाणा जहन्नम तेनू किवें दा लगा कहेगा अल्लाह मेरा टिकाना बहुत बुरा है अल्लाह जहन्नम बड़ी डाडी ते बड़ी सख्त है अल्लाह फरमानगे अगर तेनू मैं दुनिया दा सारा माल दुनिया दा सारा सोना सारे जेवरात दे देवा ते तेनू आखिया जाए ए सारा माल सानू फिदिया दे दे ते तेनू जहन्नम चो कढ लिया जाएगा क्या तू इंज करन वास्ते तैयार आका फरमाते ने ओ बंदा फौरन आखेगा अल्लाह मैं सब कुछ देन नू तैयार आ सारी दुनिया दा माल देन नू तैयार आ अल्लाह मैनू एक वारा जहन्नम चो कढ ले अल्लाह फरमानगे ओ बंदिया ए काम ते बड़ा वड्डा काम है के दुनिया दा सारा माल तेनू दिता जाए ओ थानू फिदिया करे ते जहन्नम चो बच जाए अल्लाह फरमांदे ने मैं ते एदे नालों बड़ा छोटा काम दसिया सी दुनिया दे उत्ते बड़ा हल्का काम छोटा काम दसिया सी के मेरे नाल शिरक नहीं करना मेरे नाल किसे नू शरीक नहीं ठहराना मेरे तो इलावा किसे दी इबादत नहीं करनी मेरे तो इलावा किसे दे सामने जबीने नियाज नहीं झुकानी बड़ा छोटा काम दसिया सी नहीं कीता फरिश्तियां नू हुक्म होएगा इनो पकड़ के दोबारा जहन्नम अंदर सुट दियो जन्नत हराम है मुशरक ते अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकदा है माफ नहीं होएगा ते शिरक माफ होएगा नहीं आका अली सलाम दी वसीयत है कि किसे रब नाल किसे नु शरीक ठहराना नहीं अबू दरदा रजी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने आका ने वसीयत की थी अंतु शरीका बिल्लाही शैया व इन कुतेता व हुरिकता शिरक नहीं करना चाहे तो अनु कट दिता जाए वड़ दिता जाए जला दिता जाए हजरात मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमांदे ने दो बंदे एक मक्खी दी वजह नाल जन्नत चला गया एक मक्खी दी वजह नाल जहन्नम चला गया की माना आका अली सलाम फरमांदे ने दो बंदे सफर ते जा रहे रस्ते अंदर एक दरबार आया एक गद्दी आई है एक बुतखाना आया मुजावरीन ने इन दोनों नु पकड़िया कहन लगे साडा कानून है साडा उसूल है जेड़ा बंदा इस रस्ते तो गुजरेगा पहले साडे महबूद साडे खुदा वास्ते इस कबर वास्ते कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ा के जाएगा अगर चढ़ावा चढ़ाओगे तो बच जाओगे वरना मार दिता जाएगा आका अली सलाम फरमांदे ने ए बंदे कहन लगे साडे कोल चढ़ावा चढ़ाण नूं कोई चीज ही कोई नहीं खाण नूं चीज कोई नहीं पीण नूं चीज कोई नहीं चढ़ावा किवें चढ़ाईए कोई चीज नहीं जिहड़ी असीं चढ़ावा चढ़ा दईए आका फरमांदे ने ए मुजावर कहन लगे आ दो मक्खियां पकड़ लो ए मक्खियां ही चढ़ावा चढ़ा दियो ते जान बच जाएगी वरना मार दिता जाएगा आका फरमांदे ने एक बंदे ने जान बचाण वास्ते मक्खी दा चढ़ावा चढ़ाया दूजे ने ना चढ़ाया मार दिता गया आका फरमांदे ने एक मक्खी दी वजह नाल चढ़ावा चढ़ाण वाला जहन्नम टुर गया ते जिने जान दी कुर्बानी दी रब ने जन्नतां दा वारस बना दिता।
शिरक नहीं करना। एक मक्खी की हैसियत है मक्खी दी, असी ते पूरे पूरे बकरे पूरे पूरे जानवर नहीं। आका अली सलाम ने फरमाया कद हर्रम अल्लाहु अलैहिम जन्ना, अल्लाह ने मुशरक ते अपनी जन्नत नु हराम कर दिते। और हजरात कदी गौर कीता जे नबी पाक दे सहाबा नु मारा क्यों पईया, रब दी तौहीद वास्ते उना जाना दे छड़िया, लेकिन अल्लाह नाल किसे नु शरीक ठहराया। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला नु याद आ गए, इंज ज़ालिमा ने पकड़े है खुबैब नु ते मारते जा रहे, कोई ठुड्डे मार रहा खुबैब नु, कोई थप्पड़ मार रहा खुबैब दे, ए ज़ालिम मार दे ओए, इंज सूली दे कोल लै गए, फांसी दा फंदा तैयार है। कहन लगे खुबैब एक बारी नारा रब दी तौहीद दा लाना छड़ दे, साढ़े लात मनात उज़्ज़ा दा नारा ला ले, तेरी जान बख्श दिती जाएगी, छड़ दिता जाएगा, वरना सूली तेरे वास्ते तैयार कीती है, लटका दिता जाएगा। वासद के जावा जनाबे खुबैब कह लगे मैं मरण वास्ते तैयार हाँ, लेकिन रब दा किसे नो शरीक बनान वास्ते तैयार नहीं। हर तकलीफ बर्दाश्त हो सकती है, जान दिती जा सकती है, लेकिन रब नाल शिरक गवारा नहीं। इधर दूजे पासे जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला नो उमैया मार रहा है, मार रहा है, तप दे कोलियां ते लिटाया जा रहा है, गर्म रेत ते बिलाल नो लिटा के ऊपर पत्थर रखे जा रहे है। बल्कि हजरत अबू बकर याद आए, एक दिन जनाबे सिद्दीके अकबर हजरत बिलाल दे कोलों दी गुजरे, जालिमा ने बिलाल नो बनिया होया ते सोटे मार रहे ने, बिलाल उची उची आहत आहत ते नारे बुलंद कर रहे। हजरत अबू बकर कोल चले गए, कहंदे ने बिलाल यार आहिस्ता पढ़ लिया कर, तेरे उची पढ़न नाल इना नू तकलीफ हुंदी है। बिलाल आहिस्ता पढ़ लिया कर, दिल अंदर पढ़ लिया कर, जदों अल्लाह मौका देगा उची तौहीद दे नारे बुलंद कर ली। हजरत बिलाल फरमाते ने ठीक है सिद्दीक। थोड़े दिन गुजरे, अबू बकर फिर उसे रस्तियों गुजरे, फिर ओही मंजरे, लोग बिलाल नू मार रहे ने, बिलाल आहत आहत दे नारे बुलंद कर रहे है। अबू बकर फरमाते ने बिलाल यार तेनू आखिया सी होले पढ़ लिया कर, आहिस्ता पढ़ लिया कर, उची पढ़ दे इना जालिमा नू तकलीफ हुंदी है। हजरत बिलाल फरमांदे ने यार सिद्दीक बड़ी कोशिश कीती आहिस्ता पढ़न दी, लेकिन जेड़ा मजा इस बात अंदर है कि मैं उची उची आहत आहत दे नारे बुलंद करदा ए मैनू मारदे ने, जेड़ा मजा इस बात अंदर आउंदा है आहिस्ता पढ़न अंदर आउंदा, आहिस्ता पढ़न अंदर आउंदा ही नहीं। ते बाबा जी फरमांदे ने कहंदा ओ मैया तेनू मुल ले आया मैं, कहंदा ओ मैया तेनू मुल ले आया मैं, बैठे न कम्मे ताई अनाज खवाया मैं, हो गया ए मन आज पता ए पाया मैं। हजरत बिलाल अगो आहो जी पुकार दा, नामे मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए
हजरत बिलाल नू मारे ने तप दे कोलियां ते लिटाया जा रहे है। तप दे कोले हजरत बिलाल दी चर्बी पिघल पिघल के इना कोलियां नू बसम कर दी जा रही है। ते हजरत बिलाल अपनी सारी तवानाई कठिया करके फरमांदे ने ओ मैया सुन ले पूज पूज बुत सारी उमर लंगा पूज पूज बुत सारी उमर लंगा रब तो बेगाने हो गए जाया गमवा शुक्र खुदा दा दौलत वहदत दी पा ली पढ़ लिया कलमा दिलो अहमद मुख्तार नामे मुहम्मद वाला बस समसाम ना कर लंबी कहानी ओए वांग बिलाल किसने जान कवानी ओए वांग सिद्दीक किसने दौलत लुटानी ओए साडा ईमान नहीं ओ अखियां नो ठारदा नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे नबी ने वसीयत की दी है कि अल्लाह तो इलावा किसे दे नाल शिरक नहीं करना है। वकजा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इया इबादत कीती जाएगी ते सिर्फ अल्लाह दी मुश्किल कुशा मनिया जाएगा तो सिर्फ अल्लाह नु मनिया जाएगा। बोलो सारी कायनात दा खालिक कौन है मालिक कौन है राजी कौन है दाता दस्तगीर ते गंज बख्श कौन है। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए रहनुमा मुस्तफा और क्या चाहिए। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए रहनुमा मुस्तफा और क्या चाहिए। और जिसके दर से जो मांगो मिलेगा वो ही जिसके दर से जो मांगो मिलेगा वो ही सबका हाजत रावा और क्या चाहिए। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए जिनके कहने पे बाबे बहिश्त खुले जिनके कहने पे बाबे बहिश्त खुले हमको इनके सिवा और क्या चाहिए। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए जिसका सानी खुदा ने ना पैदा किया जिसका सानी ना खुदा ने पैदा किया वो महबूबे खुदा और क्या चाहिए। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए चांद टुकड़े हुआ आया चल के शजर चांद टुकड़े हुआ आया चल के शजर उनका
का चेहरा वजुहा और क्या चाहिए, हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए। रात मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लम दी पहली वसीयत के अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक ठहराना नहीं। दूसरी वसीयत आका फरमांदे ने वला ततरुकु सलाय मक्तूबतम मुतअम्मिदन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु ज़िम्मा। आका फरमांदे ने के नमाज पढ़नी है ते वक्त नाल पढ़नी है, नमाज पढ़नी है बा जमात पढ़नी है। फरमाया फमन तरकहा मुतअम्मिदन, जेड़ा बंदा नमाजा नू जाया कर दे, जेड़ा बंदा नमाजा नू छोड़ दे, जेड़ा बंदा नमाजा नू तरक कर दे, फकत बरियत मिनहु ज़िम्मा। ओ बंदा मेरी जिम्मेदारी अंदर नहीं, इंज समझो ना नबी पाक ने अपना जिम्मा चुक लिया है, ते जेदे उत्तों अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी जिम्मेदारी उठ जाए। आका अली सलाम ने दूसरी हदीस अंदर फरमाया है, जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा मेरे अल्लों यहूदी मरे ईसाई मरे मेरा ओदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। आका दी वसीयत है वला ततरुकु सला मक्तूबतम मुतअम्मिदन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु ज़िम्मा। रात नमाज, नमाज की अहमियत इस बात तो अंदाजा लगाइए। मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल असी आते हैं जनाब आ गल ते असी जरूर पूरी करनी है। साढ़े बाबा जी मरण लगे इंज कह के गए, साढ़े बुजुर्ग फौत होन लगे आ गल करके गए जरूर पूरी करनी है। औलाद कर्जा चुक के पैसे ला के बाप दी आखरी ख्वाहिश पूरी करन दी कोशिश करते ने, वसीयत पूरी करिए। इधर वेखना मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दी आखरी वसीयत आखरी बात मेरे आका माँ जी ऐशा सिद्दीका दे हुजरा पाक दे अंदर माँ जी ऐशा फरमांदियां ने, नबी पाक ने मेरे सीने ते सिर रखे है, मौतो हयात दी कशमकश अंदर आका बीमार ने, मौत दा वक्त आ गया है, मेरे सीने ते पाक पैगंबर अली सलाम दा सर पा गए ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने आयशा अस्सला 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 अस्सला। ऐशा मेरी उम्मत नू पैगाम देना, नमाजा ना छोड़े आजे, नमाजा कजा ना करे आजे, नमाजा जरूर पढ़े आजे। मेरे नबी दे दुनिया तो परता फरमान लगे आखरी जुमले लोगो अस्सला अस्सला, नमाजा दी पाबंदी करे आजे। ऐशा मेरी उम्मत नू पैगाम देना, मेरे आका ए जुमले कहंदे कहंदे इस दुनिया तो रुखसत हो गए। नबी दा कलमा पढ़ने वालों, नबी नाल मुहब्बत करने वालों, नबी नाल प्यार करने वालों, नबी दी आखरी वसीयत जे, लेकिन असी नमाजा तो कितने दूर आए, असी नमाजा नहीं जे पढ़ते, दुकान दे बैठे हाँ ते नमाजा दी परवाह कोई नहीं, घर बैठे हाँ ते नमाजा दी परवाह कोई नहीं। हजरात असी मुसलमान आए, नबी दा कलमा पढ़ने वाले मुहब्बत रसूल दे दावेदार आए, और इतनी मुहब्बत साडे अंदर है कि असी मुहब्बत रसूल दी खातर हर बात कुर्बान कर सकते हैं। नबी दी हुरमत ते आंच नहीं आन दिंदे। सियालकोट अंदर वाकया होया, श्री लैंकन मैनेजर नू कतल किया गया और बात की है कि इन्हें नबी पाक दी तोहीन की है। पहले नंबर ते चलो ठीक है, नबी दी तोहीन करने वाला वाजिबुल कतल है, लेकिन नाल नबी पाक सल्लम ने फरमाया उलिल अमर अपने हाथ के अंदर कानून नहीं लेना,
लेकिन ये अजीब मामले है, ये दो पसे मंजर। पहली बात है कि कानून हाथ के अंदर लेना चाहिए नहीं, लेकिन पब्लिक और आवाम भी की करे, हुक्मरान और अदालिया इस नहज पे पहुंच चुके कि अगर आसिया मलूना गिरफ्तार हुई तो बाहर भेज दी गई, रेमन डेविस बाहर, अगर कोई कानून दे शिकंजे अंदर आंदे अदलिया छोड़ दिंदी है, मुलक चो भगा दिता जांदे। यही वजह के लोग कानून अपने हाथ अंदर ले रहे, मुलक तमाशा बनिया होया। लेकिन हजरात जो बात मैं करना चाह रहा कि मुहब्बत रसूल साढ़े अंदर कुट कुट के भरीए, इश्के रसूल दे असी दावेदार, लेकिन क्या जो मस्जिद चो अजान होंदी है असी सोचने हैं कि हम जाके नमाज भी पढ़नी के नहीं। उस नबी नाल मुहब्बत बड़ी है, प्यार बड़ा है, लेकिन उस नबी का कहना मानते नहीं। मस्जिद वीरान, हर गली हर मोहल्ले अंदर मस्जिद मौजूद है, नमाजी मौजूद है नहीं। और मैं हैरान हाँ कि साडा मुआशरा इस तरह का हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा जुमा वास्ते आओ मस्जिद आओ ते पहले जुमे तो तशरीफ ले आओ। जो जुमे की अजान हो जाती है फरिश्ते रजिस्टर बंद करके अंदर आके बैठ जाते हैं। असी उदों आना होंगे जो बिल्कुल इमाम साहब दूसरा खुतबा इरशाद फरमान, तो फिर दौड़ के जाके जुमे ना रलना, ये जुमा जुमा नहीं नमाज है। और ऐसे ऐसे बदनसीब नौजवान, एक मैनू मिलिया कह लगा हजरत साहब 6-7 साल हो गए उदों चाहिए जो पता लग जाओ नमाज खड़ी होने लगी, ये जुमा पढ़न वास्ते आए हो नहीं। अगर वाकयतन नबी पाक नाल सच्ची और पक्की मुहब्बत है तो फिर नबी दी जात नाल भी प्यार करो ते नबी दी बात नाल भी प्यार करो, वक्त नाल मस्जिद अंदर तशरीफ ले आया करो। अल्लाह मैनू ते तुहानू नबी पाक दियां बातां मनन दी भी तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं दस रहा सा कि नबी पाक सल्लम ने वसीयत की है अस्सला अस्सला, नमाज नहीं छोड़नी। और नमाज कितनी अहमियत ही हामिल है, तवज्जो करना मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, फरमांदे ने बेनमाज बंदा है 5 अजाब अल्लाह इहदे ते मुसल्लत करेगा, 5 अजाबां दा हकदार। पहले नंबर ते फरमाया जहन्नम दे अंदर अल्लाह ने बेनमाज वास्ते खौफनाक जगह बनाई जिहदा नाम अल्लाह ने वैल रखे है। दूजे नंबर ते फरमाया जिहड़ा बेनमाज बंदा है अल्लाह ओदी उम्र चो बरकत चुक लेंदे ने, ओदी बरकत खत्म हो जांदी है। तीजे नंबर ते आ फरमाया जिहड़ा बंदा बेनमाज है जलील होके मरदा है, रुसवा होके मरदा है। चौथे नंबर ते फरमाया बेनमाज बंदा भुखा मरद है, भुखा होके मरद है। फिर फरमाया जेड़ा बेनमाज बंदा है उन्हें मरन लगे इन्नी प्यास लगेगी कि इनू 7 समंदरां का पानी भी पिला दिता जाए तो प्यास बुझदी। बेनमाज बंदा है। मैनू याद आया अलामा अबू अब्दुल्ला मुहम्मद अल कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल जामेउल हकाम अल कुरान तफसीर कुरतबी के अंदर वाकया लिखते ने, फरमाते ने अमर बिन दिनार एक बंदा है मदीना तय्यबा के अंदर रहन वाला है, नबी दे शहर अंदर रहन वाला है। इस बंदे की बहन फौत हो गई, इन्हें कबर खोदी है, जनाजा होया बहन नू कब्रस्तान लगाया, जनाजा पढ़ा के ते बहन नू अपने हत्था नाल कबर दे अंदर उतार रहा है। ये कहिंदा है मैं जदों बहन नू कबर दे अंदर उतारिया मेरी जेब दे अंदर दिरमो दिनार दी एक थैली है, मैनू नहीं पता लगा वो थैली कबर दे अंदर गिर जांदी है। कहन लगे अमर बिन दिनार कहिंदा है कबर बंद करके ते घर चले गए, घर जाके याद आया मेरी थैली ते कबर दे अंदर गिर गई। कहिंदे मैं वापस
वापस कब्रस्तान गया वाए, कबर खोली, कबर खोदी ते वेखिया कबर दे अंदर आग ही आग जल रही है, कबर दे अंदर आग दे भांबर भर रहे ने। उंजी कबर नु बंद कीता ते वापस घर आ गया है, आके माँ जी दे कदमा च बैठ गया है। अम्मी जी दसो मेरी भैन दे ऐसे केरे अमाल सी जिदे वजह नाल अल्लाह नाराज हो सकदा है। मां कहंदी है पुत्र तेरी भैन दे अंदर पहली खामी ए सी के ओ नमाज लेट पढ़दी सी, लेट पढ़दी सी, छड़दी छड़दी नहीं सी, लेट पढ़दी सी, एदा अजाब मिले है। दूसरी तेरी भैन दे अंदर खामी सी के गवांडिया दी दीवार नाल कान ला के उन्हां दियां गल्लां सुनिया करदी सी। इन्हां दो वजह दे नाल अल्लाह दा अजाब आ गया है। इस वास्ते मेरे भाई फरमाया फी जन्नाती तसालून अनिल मुजरिमीन मां सलककुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। नमाज पढ़िया करो, मेरे ते तुहाडे नबी दी वसीयत, नमाज कायम करो, नमाज वक्त नाल पढ़ो। आइए तीसरी वसीयत दसा ते बात खत्म करिए। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू दरदा फरमांदे ने नबी पाक ने मैनू तीसरी वसीयत की थी, फरमाया वला तशरबुल खमरा इन्हा मिफताहु कुल्लु शर्रिन। आका फरमांदे ने शराब पीनी, शराब नहीं पीनी, फइन्नहा मिफताहु कुल्लि शर्रिन, ए शराब हर बुराई दा दरवाजा है। शराब हर बुराई दा कतल हुंदा है। शराब पी के नशे अंदर धोते जना आमे शराब दी वजह नाल चोरी डकैती नशे दी वजह नाल, फरमाया हर बुराई का दरवाजा शराब है। और अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसु मिन अमलिश शैतान फजतनिबु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब दी वजह नाल अल्लाह फरमांदे ने फितने फसाद लड़ाई झगड़े इस मुआशरे अंदर पैदा होंदे ने नशे दी वजह नाल। लेकिन असा की करिए, असी आंदे आ साडी मेहंदी नहीं सजदी शराब तो बगैर, शराब तो बगैर साडा विआह नहीं हुंदा है, शराब तो बगैर साडी खुशी अधूरी है, शराब साडा दोस्ताना शराबियां दे नाल, साडा यराना शराबियां दे नाल, साडा बहना उठना शराबियां दे नाल। तवज्जो करना, मेरे आका अली सलाम ने फरमाया है शराबी बंदा है दूसरे नंबर ते जेड़ा शराब नहीं पींदा है, शराबी नू शराब लिया के दिंदा है, आप शराब नहीं पींदा है, शराब पा के पेश करदा है, आप शराब नहीं पींदा है, शराब नू तैयार करदा है, आप शराब नहीं पींदा है, शराब का कारोबार करदा है। आका फरमांदे ने शराबी बंदियां ते एदा तावुन करने वालियां ते अल्लाह दी लानत ते फटकार हुंदी है। पता चलिया शराबी नाल दोस्ती भी करनी चाहिदी, शराब वाली शादी ते भी नहीं जाना चाहिदा। नबी पाक ने मना फरमाया, हदीसे पाक सुनना सही मुस्लिम दी, मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमांदे ने सलासतुन कद हर्रम अल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, फरमाया तीन किस्म दे बंदियां ते अल्लाह ने अपनी जन्नत नु हराम कर दिते है। ओ केड़ी तीन किस्म दे बंदे? पहले नंबर ते आका फरमांदे ने मुदमिनुल खमर, मुदमिनुल खमर
शराबी बंदे ते रब ने अपनी जन्नत नो हराम कर दिते। हजरात मेरे आका अली सलाम दिया वसीयत है, नबी पाक नाल मुहब्बत है, नबी पाक नाल प्यार है, फिर आओ गल भी नबी पाक दी मनिए, फिर वसीयत ते अमल भी करिए। पहली वसीयत आका अली सलाम ने फरमाया, रब नाल शिरक करना ते असी इंशाला करना नहीं। दूजे नंबर ते फरमाया, नमाज पढ़नी है ते इंशाला असी पढ़नी। आज तो बाद अजान होए ते फौरन मस्जिद अंदर आना है, इंशाला नमाज बाद जमात पढ़नी है। जुमे तो पहले मस्जिद अंदर आके नबी दी वसीयत ते अमल करना है। तीजे नंबर ते फरमाया, वला तशराबुल खमरा फइन्ना मिफ्ताहु कुल्लु शर्रिन, के शराब पीनी नहीं, हर बुराई दी जड़ शराब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने, ए जे सहाबा जिन्हें नबी पाक दी गल मन के वखाई। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्नो, इन्हां दा शराब दा कारोबार है, हजे शराब दी हुरमत आसमान तो नाजल नहीं हुई। ते हजरत अबू तलहा ने ना बार किसे मुलक चो किसी दूसरे इलाके चो अच्छी बेहतरीन शराब मंगवाई है, ते लोग बैठे पी रहे ने, उधरों मनादी करने वाले ने मुनादी की थी, अल्लाह ने आसमान तो नबी पाक ते कुरान नाजल फरमा के शराब नू हराम कर दिते, नबी पाक ने शराब पीन तो मना कर दिते। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अनस आज जिन्नी शराब है जाके बाहर डोल दे। ये नहीं आखिया कि चलो यार इन्ना पैसा लाया है मंगवाई है, हुण ही मना हुई है, अजे नबी पाक नाल मुलाकात भी नहीं हुई, इनू बेच लईए पैसे आ जाएंगे, आज तो बाद कारोबार खत्म। नहीं, असीं आंदे आ ना सूद दुकान ते बैठे, और यार चल कोई नहीं आओ थोड़ा जा कर लिए बाकी फिर। नहीं नहीं, नबी पाक दा हुक्म कन्ना अंदर पिया है। अबू तला रजी अल्लाह तआला ने माल दी परवाह नहीं की थी, नुकसान दी परवाह नहीं की थी। फरमाया, अनस इस शराब नु फौरन बाहर गली दे अंदर डोल दिता जाए, और मैं सदके जावा नबी दे सहाबा शराब इंज प्याले मुंह दे कोल ने ए भी नहीं सोचिया कि एक घुट पी लईए अजाम मुकम्मल कर लईए। नहीं, नबी दा हुक्म आया, फौरन प्याले उंडेल दिते, रोड़ दिते, और मन के विखाया कि इताअत की जाए तो नबी नाल इंज की जाए। मुहब्बत रसूल दा तकाज़ा है कि नबी दी जात नाल भी प्यार ते नबी दी बात नाल भी प्यार। अल्लाह को लो दुआ है, अल्लाह मैनू और तुहानू नबी पाक सल्लम दिया वसीयतां ते भी अमल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।